और अब खबर कानपुर से, जहां पर एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। यह मामला थाना सजेती के बिरिया गांव का है, जहां एक नाबालिग को इलाके के दबंगों ने ही अगवा कर उसके साथ कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित परिजनों ने नाबालिग के अगवा होने की खबर जब अधिकारियों को दी तो दबंगों ने नाबालिग को उसके घर के सामने फेंककर फरार हो गए। कई दिनों तक बेहोशी के बाद जब नाबालिग होश में आई तो परिजनों को पूरी दास्तान सुनाई। नाबालिग पीड़ित ने इलाके के दबंग राजा बाबू और उसके तीन साथियों पर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित की माने तो उसके अलावा दो और लड़कियों को अगवा कर लिया गया था, जिसमें से एक की दर्दनाक मौत भी हो गई है। इससे पीड़िता सहमी और डरी हुई है। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।